discuss questions from the book page wise. Okay, chapter is how, when, and where. First of all, whenever we will study any chapter, जब भी हम चैप्टर पढ़ते हैं या पढ़ेंगे तो हमें पता होना चाहिए हमारा जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, हिस्ट्री हिज स्टोरी. अगर हम ऐसे पढ़े ना, हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, हिज स्टोरी. किसकी स्टोरी? ह्यूमंस, ह्यूमंस की स्टोरी पढ़ते हैं हम. तो अल्टीमेटली वैसे तो हम ये कहते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री. हिस्टोरी मीन्स रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स. अगर मैं आपसे ये पूछूं बेटा व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री, तो हिस्ट्री क्या होती है? रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स, यानी कि पास्ट में जो भी हुआ उसका रिकॉर्ड, उसको हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में. ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स. अब हमने पढ़ना है अपनी इंडिया की हिस्ट्री, क्योंकि सेवंथ क्लास में आपने मेडिवल टाइम पीरियड पढ़ा. अब हम इसमें हम पढ़ते हैं मॉडर्न टाइम पीरियड, व्हेन आवर कंट्री वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स. ठीक है, तो हमारी कंट्री जब ब्रिटिशर्स के अंडर थी, तो हमारी कंट्री में एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, दैट केम इन आवर कंट्री. आई तो थी ये बिजनेस करने के लिए, लेकिन इन्होंने, इस कंपनी ने हमारी कंट्री को कैप्चर किया, कंट्रोल किया, एंड आफ्टर दैट आवर कंट्री केम इनटू कंट्रोल ऑफ दिस. जैसे तालिबान ने किसको कैप्चर किया? अफगानिस्तान. ऐसे, ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑफर शास्त्रास टू ब्रिटानिका. आपकी बुक में एक पेज है जिसमें कुछ ब्राह्मण जो हैं वो ब्रिटानिका, मतलब क्वीन को कुछ पेपर दे रहे. इसका मतलब क्या है कि हमारी कंट्री के ही कुछ लोगों ने ब्रिटिश, हु ऑफर्ड शास्त्रास टू ब्रिटानिका या ब्रिटानिया. ब्रिटानिया मतलब क्वीन. किन्होंने दिए? ब्राह्मण्स. इसका मतलब है कि हमारी कंट्री में ही कुछ लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिल गए, और जब उनके साथ मिल गए तो उनके लिए हमारी कंट्री में रूल करना इजी हो गया. तो हु ऑफर्ड शास्त्रास टू ब्रिटानिया? ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स ने दिया. एक बुक की पिक्चर है ना, उस पिक्चर में आप देखोगे कि ब्राह्मण जो है वो क्वीन को हमारी ही कंट्री के जो है वो शास्त्रास या पेजेस दे रहे. देन हु प्रोड्यूस फर्स्ट मैप? जेम्स रेनल. जेम्स रेनल जो थे, उन्होंने हमारी कंट्री के रिगार्डिंग जो है मैप बनाया. किनके कहने पर? रॉबर्ट क्लाइव. हु प्रोड्यूस फर्स्ट मैप? जेम्स रेनल. कौन से ईयर में? कौन से ईयर? वेरी गुड, 1782. किन्होंने उनको मैप बनाने के लिए बोला? रॉबर्ट क्लाइव. क्योंकि ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि जब हम किसी भी कंट्री को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें पहले उसके एरिया के बारे में पता होना चाहिए. सो दैट्स व्हाई दिस वाज प्रोड्यूस्ड. ठीक है, नेक्स्ट इज, यस, एक और पिक्चर दी गई है नेक्स्ट पेज पे, दैट इज लिप्टन टी. यानी कि उस टाइम पीरियड में कंपनी की एडवर्टाइजमेंट्स, कंपनी हमारी, ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी कंट्री में ट्रेडिंग के लिए आई थी, तो उस टाइम पीरियड में कुछ एडवर्टाइजमेंट्स जो है, रियल एडवर्टाइजमेंट्स की पिक्चर्स है. लिप्टन टी की एक पिक्चर है, कैलेंडर है. इस कैलेंडर में क्वीन जो है, क्वीन विक्टोरिया के जो है वो सन, उनकी फोटो है, थर्ड सन थे. क्या नाम था उनका? प्रिंस आर्थर, ड्यूक ऑफ कनाट. प्रिंस आर्थर, आप नेम याद रखो, प्रिंस आर्थर, ARTHUR, प्रिंस आर्थर, थर्ड सन ऑफ क्वीन विक्टोरिया. लिप्टन टी के कैलेंडर के ऊपर इनकी पिक्चर बनी गई है. तो ये लिप्टन टी की एड जो है वो कौन से ईयर का कैलेंडर शो करता है? 1922 में ये कैलेंडर बना, जिसके ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी लिप्टन टी की एडवर्टाइजमेंट जो है वो शूट हुई. ठीक है, देन इसके बाद हमारी कंट्री के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स. कौन से ईयर में बने? 1773. हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ आर कंट्री? ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हमारी कंट्री में फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बनकर आए थे? वॉरेन हेस्टिंग्स, 1773. आप ये सोचो कि 1773 में वो हमारी कंट्री के फर्स्ट गवर्नर जनरल बने, और हमें इंडिपेंडेंस कब मिली?
1947 आज तालिबान ने अफगानिस्तान को कंट्रोल किया है, तो पूरे वर्ल्ड में सब लोगों के जो है उस पे है कि हाँ जी अफगानिस्तान को कैप्चर कर लू। तो आवर कंट्री वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स अप टू हाउ मेनी इयर्स? 1773 टू 1873, 1873 टू 1947 और इससे भी पहले। तो हाउ मच लॉन्ग टाइम पीरियड वी हैव स्पेंट अंडर देअर कॉलोनियल रूल। तो हमने आगे इन्हीं चैप्टर्स के बारे में पढ़ना है कि कैसे उन्होंने हमें एक्सप्लॉइट किया, ठीक है। देन इसके बाद एक तरफ हमने याद करना है फर्स्ट गवर्नर जनरल, दूसरी तरफ लास्ट जब हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली उस टाइम पीरियड में हमारी कंट्री में कौन थे। गवर्नर जनरल का नाम पोस्ट चेंज हो गई थी, इस पोस्ट को चेंज करके नाम क्या दिया गया, वाइस। कौन थे? लॉर्ड माउंट बेटन। लॉर्ड माउंट बेटन ही वॉज द लास्ट वॉइसराय। फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, लास्ट वॉइसराय यानी कि थे गवर्नर जनरल का पोस्ट का नाम चेंज कर दिया था। 1857 का रिवोल्ट आपने पढ़ा ना उसमें, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए जेम्स मिल के बारे में इंफॉर्मेशन। जेम्स मिल कौन थे? स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट। हु वाज जेम्स मिल? स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट। कौन से ईयर में उन्होंने बुक लिखी? 1817। बुक का नाम क्या था? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसमें उन्होंने क्या गलती की? ही डिवाइडेड यस इंडियन हिस्ट्री इनटू थ्री पार्ट्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। उन्होंने क्या किया, हमारी इंडियन हिस्ट्री को थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिशर्स। बट दिस पीरियडाइजेशन इज रॉन्ग बिकॉज ही हैड डिवाइडेड द इंडियन हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू रिलीजन। रिलीजन के अकॉर्डिंग ऐसा थोड़ी हो सकता है कि जब हिंदू हो तो सारे हिंदू ही थे, मुस्लिम नहीं थे, और जब मुस्लिम टाइम था तो सारे मुस्लिम थे, हिंदू नहीं थे। तो दिस वॉज रॉन्ग बिकॉज जिस टाइम ब्रिटिशर्स थे उस टाइम भी हमारी कंट्री में कुछ इंडिपेंडेंट रूलर्स थे, कुछ हिंदू थे, कुछ मुस्लिम थे। तो वी कांट डिवाइड द इंडियन हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू रिलीजन, दैट इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। इसलिए हम कहते हैं कि इनकी जो पीरियडाइजेशन उन्होंने की है तो उसमें प्रॉब्लम है। अब क्वेश्चन आता है कि हम हिस्ट्री को डिवाइड क्यों करते हैं, हम क्यों डिवाइड करते हैं हिस्ट्री। सपोज मैंने आपको ये बोला कि हम सोशल साइंस पढ़ते हैं, हमने सोशल साइंस को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविल्स स्टडी के लिए। यानी कि जब हम किसी पर्टिकुलर कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो हम उसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, या फोर पार्ट्स में, या टू पार्ट्स में डिवाइड, एंशियंट एंड मॉडर्न। सपोज हमारी इंडियन हिस्ट्री को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, तो हम इसीलिए किसी पीरियड को डिवाइड करते हैं ताकि हमें उसके फीचर पता लगे। सपोज मैं आपको ये बोलूं कि बेटा आप बच्चों ने अर्ली मैन का बताना है, आपने मॉडर्न मैन का बताना, तो आपका रिसर्च का टॉपिक अलग हो गया। आप पुरानी चीजें बताओगे, आप नई चीजें बताओगे, फिर कंपेयर करोगे कि हाउ यू आर फार बेटर देन अर्ली मैन। कंपैरिजन के लिए भी अच्छा होता है कि पीरियड वाइज हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सा पीरियड अच्छा था, कौन कौन से चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए। सो दिस इज द रीजन व्हाई वी डिवाइड इंडियन हिस्ट्री। नेक्स्ट इज सेकंड पीरियडाइजेशन की प्रॉब्लम क्या है, जेम्स मिल की पीरियडाइजेशन की क्या प्रॉब्लम है? यस, लोकल पीपल, वेरी गुड। उसने सिर्फ किंग्स को इम्पोर्टेंस दी, लोकल पीपल के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं दिया उसकी बुक में, ठीक है। एंड सारे के सारे रूलर्स जो है, जरूरी नहीं कि सारे के सारे रूलर्स एक ही रिलीजन से थे। उसने क्या कहा कि इंडियन जो एशियाटिक सोसाइटीज होती हैं दीज आर एट द लोअर लेवल। उन्होंने हमें किस लेवल पे रखा है, लोअर लेवल पे, और उन्होंने हमारी सिविलाइजेशन को लोअर लेवल कहा है, अनएजुकेटेड कहा है, केयरलेस पीपल कहा है। उन्होंने हमारे लिए क्या कहा है कि हम रिलीजियस इंटॉलरेंस थे, लड़ते रहते थे रिलीजन के लिए, लड़ते रहते थे। मतलब कितना गलत इंप्रेशन उन्होंने हमारा दिया। अगर कोई और पढ़े वो सच में सोचेंगे कि इंडियंस ऐसे हैं, ठीक है, कास्ट इशू पे लड़ते रहते हैं, उन्होंने ये कहा। सुपरस्टिशंस हैं, ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास करते हैं, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा कि वो अपनी डेली लाइफ में एक नेबर्स के साथ या लोगों के साथ ही लड़ते रहते हैं। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड करो और रूल करो। तो इस तरह से शायद अगर हम यूनाइटेड होते तो मे बी वो हमें कैप्चर ना कर पाते। तो फिर जेम्स मिल ने कहा ओनली ब्रिटिशर्स को सिविलाइज इंडिया,
कि सिर्फ ब्रिटिशर्स ही सिविलाइज कर सकते हैं बाय पासिंग न्यू लॉज रूल्स. सो दैट्स व्हाई दे इनएक्टेड मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर इंडियंस. तो हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने क्या किया, यूरोपियन इंग्लिश लैंग्वेज हम पे इम्पोज कर दी, लोगों को उनकी जो लोकल लैंग्वेजेस थी उनको बोलने से मना कर दिया गया और इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश स्कूल्स ओपन किए ताकि बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जाए, मैनर्स सिखाए जाएं. और जेम्स मिल ने ये कहा कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया की एज क्या थी, डार्क एज. क्या थी? डार्क एज. और इन्होंने इंडियंस को क्या बनाया, मॉडर्न. ये सारा जेम्स मिल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने जेम्स मिल ने पीरियडाइजेशन की क्या प्रॉब्लम. फिर हम आगे पढ़ते हैं कि मॉडर्न हिस्टोरियंस ने जेम्स मिल की इस पीरियडाइजेशन को अपोज किया. उन्होंने कहा कि हिस्ट्री जो है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड की जा सकती है, एंशियंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न. एंशियंट हिस्ट्री 6th century BC से पहले, या हम ये कह सकते हैं कि 7th-8th century से पहले का टाइम पीरियड, महावीर जैन के बारे में या पैलोलिथिक एजेस, पुराना टाइम पीरियड. मेडिवल टाइम सल्तनत, जो आपने सारा 7th में पढ़ा है, 7th में सारी पढ़ी ना आपने सल्तनत डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी, वो सारी क्या है, मेडिएवल. उसके बाद मॉडर्न, मॉडर्न मतलब ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया हमने पढ़ना है 8th में, ठीक है. और नेक्स्ट फिर हमने बताना है कि ब्रिटिशर्स ने ये कहा कि हमने इंडियंस को क्या दिया, मैथ साइंस मॉडर्न जो भी मॉडर्निटी है. लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे इंडिया में भी पुराने टाइम पीरियड में बहुत से ऐसे एस्ट्रोनॉमर्स, आर्यभट्टा, चरका, ठीक है, पतंजलि, ऐसे बहुत से सेजेस थे, कालिदासा, जिन्होंने हमारे इंडिया के लिटरेचर और कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो दिया है. सो अब इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी जो इंडियन हिस्ट्री का जो मॉडर्न हिस्ट्री है ना, उसको कॉलोनियल इंडिया हिस्ट्री भी कहा जाता है. मॉडर्न को कॉलोनियल हिस्ट्री क्यों कहते हैं, बिकॉज एट दैट टाइम इंडिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स. एक तरफ हम कहते हैं एंशियंट मेडिएवल एंड मॉडर्न, तो इसको एंशियंट मेडिएवल एंड कॉलोनियल हिस्ट्री भी कहा जा सकता है. कॉलोनी, इंडिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स, सो उनके रूल को क्या कहते हैं, कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल रूल कहते हैं. कॉलोनाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलोनाइजेशन प्रोसेस. हाँ जी, हाँ, इसका अभी एग्जांपल ले लो, जैसे तालिबान कंट्री नहीं है, तालिबान क्या है, ग्रुप है. ग्रुप ने क्या किया, स्ट्रॉन्ग ग्रुप ने कंट्री की वीक कंडीशन का फायदा उठाया, कंट्री के प्रेसिडेंट कंट्री छोड़कर चले गए, ठीक है, और कैप्चर कर लिया. तो कॉलोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस इन विच वन पावरफुल कंट्री कैप्चर अदर कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल, सारा कंट्रोल करती है, पॉलिटिकल भी कंट्रोल करती है, इकोनॉमिक भी कंट्रोल करती है, सोशल भी करती है, फाइनेंशियली भी करती है. सब्जुगेशन, सब्जुगेशन का मतलब होता है जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को कंट्रोल करती है, कॉलोनाइजेशन. हाँ जी, अब इसके बाद नेक्स्ट है, ब्रिटिशर्स पता क्या करते थे, हर चीज को रिटन फॉर्म में लिखते थे. व्हाई एक्ट ऑफ राइटिंग वाज इंपॉर्टेंट, ब्रिटिशर्स के लिए एक्ट ऑफ राइटिंग इंपॉर्टेंट क्यों था, यस. अब ब्रिटिशर्स जो है वो हर इवेंट्स, बच्चे हर सहज से प्रॉपर, ब्रिटिशर्स हर इवेंट को रिटन फॉर्म में लिखते थे और ये रिटन फॉर्म में बुक्स भी लिखी गई हैं, लेटर पैड्स मिले हैं, मेमोज मिले हैं, राइटिंग्स मिली हैं, लॉज मिले हैं. उनको पढ़ के हमें उस टाइम के बारे में पता लगा. दे रोट एवरी प्लान, हर पॉलिसी को रिटन फॉर्म में लिखते थे. कोई भी डिसीजन लेते थे, कोई भी एग्रीमेंट होता था, उसको प्रॉपरली रिटन फॉर्म में प्रिपेयर करते थे ताकि आने वाले ऑफिसर्स को पुराने जो हैं वो रिकॉर्ड से देखकर इजी रहे, रूल करने में इजी रहे, ताकि प्रॉब्लम ना आए. और ऐसे रिटर्न रिकॉर्ड्स कौन कौन से, फॉर एग्जांपल नोट, नोटिंग्स. नोटिंग्स का मतलब होता है नोट करके रखना, फाइल्स बनाना, रिपोर्ट बनाना, किसी चीज की रिपोर्ट बनाना, आप इंग्लिश में करते हो ना, रिपोर्ट राइटिंग, डायरी राइटिंग, है ना, तो ये चीजें सारी, मेमोज, ठीक है, इनको प्रॉपरली प्रिजर्व करके रखते थे. रिकॉर्ड रूम्स होते थे इनके, और कुछ म्यूजियम्स भी होते थे जिसमें आर्काइव्स,
आपने पढ़ा होगा बच्चे आर्चिव, आर्चिव क्या होता था? हाँ जी आर्चिव, आर्चिव क्या होता है? जिसमें रिटर्न रिकॉर्ड जो है म्यूज, हाँ रिकॉर्ड्स रखे जाते थे, आर्चिव, ARCHIVES, आर्चिव कहा जाता था उनको, जिसमें वो सारा रिटर्न रिकॉर्ड रखते थे। आपकी बुक में एक नेशनल आर्चिव ऑफ इंडिया लिखा हुआ है 1920 में, ये कहाँ पे बना? न्यू दिल्ली। इसमें सारे पुराने रिटर्न रिकॉर्ड्स, पुरानी फाइल्स जो हैं, रिकॉर्ड रूम, काइंड ऑफ रिकॉर्ड रूम जो है वो बनाया गया था। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से रिकॉर्ड की फाइल्स ये बनाते थे? विलेज, विलेज से रिलेटेड, तहसीलदार, विलेज में किस फार्मर के पास कितनी लैंड है, ठीक है, वो सारा रिकॉर्ड होता था। देन डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट में लोगों के पास, किस पर्सन के पास कितनी लैंड। लॉ कोर्ट्स, लॉ में जज ने क्या एग्जाम्पल दिया, क्या पनिशमेंट दी, उसको संभाल के रखना ताकि नेक्स्ट अगर सेम तरह का केस आए तो जज को प्रॉब्लम ना आए। देन आर्चिव्स, आर्चिव बनाए गए, ठीक है। म्यूजियम्स, म्यूजियम जहाँ पे चीजों को रखा जाता है, पुरानी चीजों को रखा जाता है, स्कल्पचर म्यूजियम्स में रखते हैं। तो ये सारा जो ट्रेंड है वो ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया, जिसके बेसिस के ऊपर हमें पुराने टाइम को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये लिखते कौन थे, इसके लिए ब्रिटिशर्स क्या अपॉइंट करते थे? स्क्राइब्स कहते हैं, या कैलीग्राफिस्ट, कैलीग्राफिस्ट जिनकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर होती थी। फिर धीरे धीरे लिखने की बजाय टाइपराइटर, टाइप करना शुरू कर दिया, प्रिंट करना शुरू कर दिया, ठीक है। और इसी तरह से आज भी अगर आप दिल्ली में जो नेशनल आर्चिव है वहां पे जाओगे ना, तो उन्होंने पुराने उनके इंग्लिश जो ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड के जो रिकॉर्ड्स हैं, फाइल्स हैं, उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ और उनको प्रॉपरली जो है वो सेव करके रखा गया है, ताकि उनको कोई डिस्ट्रॉय ना करे और लोगों को पता लगे कि पुराने टाइम पीरियड में ब्रिटिशर्स जो है वो कैसे रिकॉर्ड्स या कैसे जो है वो डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व करके रखते थे, ठीक है। सो इन द मिड ऑफ दीज चैप्टर्स मैनी पिक्चर्स आर गिवन, उनकी कुछ इलैबोरेशंस आपने याद रखनी है। लाइक फर्स्ट में क्या है, ये मैंने अभी बताया आपको, जेम्स रेनल ही प्रोड्यूस फर्स्ट मैप 1782, ठीक है, साइड बाय साइड। वॉरेन हेस्टिंग्स बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1773, क्लियर। नेक्स्ट है पिक्चर नेशनल आर्चिव्स 1920 न्यू दिल्ली में बनाइए। आर्चिव्स, आर्चिव्स में सिर्फ क्या रखे जाते हैं? डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट आ जाए रिवोल्ट, रिवेल ऑफ 1857, इसमें क्या दिखाया गया है? ब्रिटिशर्स ने इसको अपने तरीके से बनाई है पेंटिंग, उन्होंने जो ब्रिटिश रिवोल्ट के सोल्जर्स थे उनको ग्रीडी शो किया गया। उन्होंने ये कहा कि जिन्होंने रिवोल्ट में, जिस 1857 के रिवोल्ट में जिन सोल्जर्स ने पार्ट लिया था वो ग्रीडी थे और वो क्या करते थे, लड़ने के बाद सारा सामान आपस में डिवाइड कर लेते थे। डू यू थिंक इट इज राइट? ब्रिटिशर्स ने बनाई है इंडियंस के लिए। डू यू थिंक इट इज राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। व्हाई इट इज रॉन्ग? बिकॉज दे हैव नॉट शोन द क्लियर पिक्चर ऑफ इंडियंस। तो कई बार ऐसा भी होता है, जरूरी नहीं होता कि आप कोई भी बुक पढ़ते हो, कुछ भी मूवी देखते हो, वो सही होती, ठीक है। बुक है, बुक जो है वो उस पर्सन जो वो सोचता है वो बुक लिखी गई। मूवी अगर देख रहे हो तो मूवी डायरेक्टर ने जो सोचा वो, कई बार आप देखते हो कि ये मूवी है ये ट्रू इवेंट पे, लेकिन अगर सपोज अगर आपने भाग मिल्खा भाग की ही मूवी देखी है, क्या उसमें हर चीज सही है? मे बी कुछ एंटरटेनमेंट है, सॉन्ग्स को आपके लिए थोड़ा ऐड कर दिया गया, लेकिन स्टोरी लाइन रियल होगी, लेकिन कुछ सीन्स जो है मे बी वो सीन्स जो है वो एज सच नहीं है। तो ऐसा ही ब्रिटिशर्स की भी जब आप बुक पढ़ते हो, किसी अगर फॉरेन ऑथर की बुक पढ़ते हो तो उन्होंने इसको अपने तरीके से लिखा होगा, और अगर इंडियन ऑथर की पढ़ोगे तो उन्होंने इसको अपने तरीके से लिखा। तो बहुत सी ऐसी बुक्स हैं जिन जो आर्चिव्स यानी कि न्यू दिल्ली में है, उन बुक्स में इंडिया की रॉन्ग इमेज फॉरेन के बारे में दी, जो कि गलत है, ठीक है। फॉरेन कंट्रीज में इंडिया की रॉन्ग इमेज दी गई। सो साइड बाय साइड आई हैव डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स आल्सो, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ पीरियडाइजेशन, व्हाई डिड ब्रिटिशर्स दे प्रिजर्व डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट इज ये अभी मैंने जो आपको बताया, हाउ विल द इंफॉर्मेशन हिस्टोरियंस गेट फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर डिफरेंट फ्रॉम पुलिस रिपोर्ट। आपके सामने एक न्यूज़पेपर हो, सपोज मैं कोई भी डेट आपको बताती हूँ कि दिस इज सपोज 23rd अगस्त
1930 सपोज उस दिन कोई भी इंसिडेंट हुआ, आपके सामने एक तरफ है न्यूज़पेपर और दूसरी तरफ है पुलिस रिपोर्ट। न्यूज़पेपर में न्यूज दी गई है और पुलिस रिपोर्ट में पुलिस ने रिपोर्ट जो है वो लिखी है। न्यूज़पेपर तो कितने ही होते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस का होता है, लेकिन पुलिस रिपोर्ट वहां की क्या होगी, लोकल, जो लोकल पुलिस ने लिखा हो। कौन सा ज्यादा ऑथेंटिक होगा? पुलिस रिपोर्ट ज्यादा, क्योंकि उसको, हाँ जी, पुलिस रिपोर्ट क्यों, क्योंकि वो प्रॉपर उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं केस को, उन्होंने जो भी रिटर्न फॉर्म है उसको लिखा हुआ। न्यूज़पेपर में जर्नलिस्ट क्या करते हैं, जर्नलिस्ट क्या करते हैं, बढ़ा चढ़ा कर या वहां पे लोगों से जस्ट पूछते हैं और उसके बाद आपको न्यूज दिखाई जाती है। तो इसका मतलब होता है कि जब भी हिस्टोरियंस, हिस्टोरियंस के पास अलग अलग सोर्सेज होते हैं। सोर्सेज का मतलब होता है जैसे रिपोर्ट्स हैं या न्यूज हैं या पुलिस रिपोर्ट है, उन सबको पढ़कर फिर अपना एस्टिमेट बताते। अगर वो सिर्फ न्यूज को पढ़ के बुक्स लिखेंगे तो वो क्या होंगी, ऑथेंटिक नहीं होंगी। तो आप ये सोचो कि हिस्टोरियंस का काम कितना मुश्किल होता है। अगर उन्होंने हमें पुराने टाइम के बारे में बताना है तो उनको कितना रिसर्च हुआ करना पड़ता है। वो ऐसे ही नहीं कोई भी इवेंट बता देते उसके लिए, लेकिन फिर भी क्या आप समझते हो कि वो 100% ठीक होगा? उसमें भी क्या हो सकता है, कुछ मिस्टेक्स या कुछ चेंजेस या कुछ गलत हो सकता है। बट स्टिल हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो हमें उन पुरानी बुक्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। सपोज अगर आज के टाइम पीरियड में आप कोई पुरानी बुक पढ़ो, चाणक्य ने लिखी थी अर्थशास्त्र, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड की बुक है, और अगर आप उस बुक को पढ़ोगे तो आपको उस बुक के इंफॉर्मेशन मिलेगी कि उस टाइम पीरियड में क्या क्या होता था। तो मे बी जो भी उन्होंने बताया, मे बी 100% वो सच ट्रू नहीं हो। हाँ जी, ओरिजिनल तो नहीं होती, आज के टाइम पीरियड में बहुत ही रेयर होता है, क्योंकि पीछे आपको सोचो कि आपकी आपकी नोटबुक्स, क्या आपकी थर्ड फोर्थ की नोटबुक्स पड़ी हुई है आपके पास है, क्या उनके पेजेस ऐसे सच हैं? पेजेस क्या हो जाते हैं, रफ हो जाते बच्चे, ओरिजिनल तो खत्म हो जाती है, आगे उनको कॉपी किया गया। बहुत ही रेयर होता है कि आपको ओरिजिनल बुक्स मिले म्यूजियम से, अगर होंगे भी तो वो कंप्लीट नहीं हो, पेजेस फट जाते हैं। तो उस टाइम पीरियड में उनके पास ऐसे पेजेस नहीं होते थे, वो किनके ऊपर लिखते थे, मेन बाग पाम लीव्स के ऊपर। तो आप ये सोचो कि आपके घर के जो पॉट्स हैं वो भी 6 मंथ्स के बाद क्या हो जाते हैं, लीव्स खराब हो जाते हैं। तो हाउ इट वॉज डिफिकल्ट टू प्रिजर्व मैन्यूस्क्रिप्ट्स, कितना मुश्किल होगा उस टाइम मैन्यूस्क्रिप्ट्स को प्रिजर्व करना। बट स्टिल वी हैव मैनी बुक्स जो हैं वो कॉपी की गई है। कॉपी का मतलब होता है कि आगे से नेक्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन उनको पास ऑन किया है। ये मे बी, हाँ जब हम कॉपी करते हैं तो मे बी चेंज कर लेते, जैसे सपोज आप ही हो, अगर आपके पास किसी बच्चे की नोटबुक हो तो आपको हैंडराइटिंग समझ में नहीं आएगी, कुछ गलतियां होंगी, उसको कोई और कॉपी करेगा, आगे कॉपी से कॉपी होता जाएगा, तो मे बी मिस्टेक्स के चांसेस होते ही हैं। यस, ठीक है। सो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि नो डाउट हमारे पास बहुत से रिसोर्सेज हैं, बट स्टिल वी हैव टू डिपेंड अपॉन दीज। अगेन आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस चैप्टर शॉर्ट में, हम फिर जो है वो डिस्कस करते हैं। मीनिंग ऑफ हिस्ट्री इज रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स। शास्त्रास, हु ऑफर शास्त्रास टू ब्रिटेनिया, ब्राह्मण। हु प्रोड्यूस फर्स्ट मैप, जेम्स रेनल, इन विच ईयर 1782। और हु ऑर्डर्ड हिम टू प्रोड्यूस, रॉबर्ट क्लाइव। हु वाज द थर्ड सन ऑफ क्वीन विक्टोरिया, प्रिंस आर्थर। ठीक है, उनको क्या टाइटल दिया गया, ड्यूक ऑफ कनाट। दिल्ली में है ना कनाट प्लेस, आज भी हमारी कंट्री में हम ब्रिटिशर्स के कुछ नेम को यू, ब्रिटिशर्स चले गए हैं, डलहौजी क्या है, लॉर्ड डलहौजी के नाम पे हिल स्टेशन, आज भी देखो उनके नाम पे हिल स्टेशन, क्योंकि ये उस सिटी को डलहौजी ने बसाया था, जो उन्होंने स्टार्ट किया। अब वहां पे आप जाओगे ना डलहौजी पे, वहां पे उनका प्रॉपर उनकी स्टैचू लगा हुआ है और चर्च है वहां पे, उनकी इंफॉर्मेशन दी गई है ये, क्योंकि उन्होंने एस्टैब्लिश की थी ये सिटी, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे समर सीजन में वो दिल्ली नहीं रहते थे, कहाँ चले जाते थे, हिल स्टेशन।
क्योंकि वहां के टेम्परेचर क्लाइमेट उनको सूट नहीं करता था। तो आप जितने भी हिल स्टेशन देखोगे ना, चाहे शिमला है, चाहे डलहौजी है, चाहे मनाली, वहां पे चर्च जरूर होगा। चर्च भी होगा इतना पुराना, और मॉल रोड, मॉल रोड जो है वो किन्होंने स्टार्ट किया था? ब्रिटिशर्स ने। मॉल, मॉल रोड, MALR, मॉल रोड, ठीक है। अब ये आपने उस टाइम के बारे में हमने बताना है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? बैरन हेसिंग। एंड लास्ट वॉइसराय, वॉइसराय बोलना है इसको, माउंट बैटन। देन जेम्स मिल, हु वाज जेम्स मिल? स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट। इन विच ईयर ही रोट अ बुक? 1817, 1817। द नेम ऑफ द बुक? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। व्हाट ही हैड रिटन इन दिस बुक, वो सारा 5 मार्क्स अकॉर्डिंग लर्न कर, पीरियडाइज, ठीक है, पीरियडाइजेशन। एंड एक और चीज, अभी भी बच्चे गलती करते हैं, कई बच्चे क्या करते हैं, अगर लॉन्ग क्वेश्चन है ना बच्चे, 4 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, तो यू विल नॉट राइट इन पैराग्राफ, यू हैव टू राइट 5 सेंटेंसेस। जल्दी मत करना, ठीक है। जैसे ही क्वेश्चन आप पढ़ते हो पहले इसको देखो, क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स का है, 1 2 3 लिख लो, 1 2 3 3 लाइन्स, वर्ड्स नहीं लिखने हैं। 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसका मतलब है 3 सेंटेंसेस, और अगर 5 मार्क्स का है तो 5 सेंटेंसेस, नॉट वर्ड्स, ठीक है। यस, इसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलोनियल? कॉलोनियल क्या होता है? कॉलोनियल का मतलब होता है व्हेन वन कंट्री इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर कंट्री। फॉर एग्जांपल, इंडिया, इंडिया वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन। सो एट दैट टाइम ब्रिटेन जो था उसका कॉलोनियल रूल था इंडिया के ऊपर। देन ब्रिटिशर्स जो हैं वो राइटिंग करते थे, सर्वेस करते, कहाँ कहाँ पे सर्वेस उन्होंने किए हैं, कितने तरह के सर्वेस के बारे में आप जानते हो? बोटानिकल सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, एंथ्रोपोलॉजिकल, फॉरेस्ट सर्वे। सर्वे का मतलब क्या होता है? किसी एरिया के बारे में टू गैदर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी एरिया, ताकि ब्रिटिशर्स को उस एरिया के बारे में पता हो, एंड ताकि वो उस एरिया से क्या अर्न कर सके, इनकम, रेवेन्यू। दैट्स व्हाई सर्वे वाज कंडक्टेड, इसलिए सर्वेस करवाए गए थे। जैसे सेंसस क्या होता है? सेंसस पॉपुलेशन काउंट करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंसस? सेंसस का मतलब होता है काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन। आपको पता है हमारी कंट्री में काउंटिंग कितने साल के बाद होती है? 10 इयर्स। सपोज अगर 2021 में होगी तो नेक्स्ट 10 इयर्स के बाद कब होगी? और इन 10 इयर्स में कितने लोग का बर्थ हुआ, कितनों की डेथ हुई, कितने लोग फॉरेन चले गए, ओल्ड एज जो पीपल होंगे वो क्या जॉब? बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कलेक्ट डाटा, इतने लोगों का डाटा कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो नॉर्मली गवर्नमेंट का टारगेट होता है कि पिछले 10 साल में कितनी इंक्रीज हुआ है, उसके बेसिस के ऊपर वो फिर डेवलपमेंट करते हैं। साथ ही इसमें क्या होता है, आपके घर में गवर्नमेंट टीचर्स या स्टाफ आता है, प्रॉपर पूरा रिकॉर्ड होता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आप क्या काम करते हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, आपकी इनकम कितनी है, और इसके बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो पॉपुलेशन को डिवाइड करती है, पॉपुलेशन को डिवाइड करती है इनटू हायर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर। और अगर कंट्री में लोअर क्लास ज्यादा है, लोअर, तो उनके लिए वैसे एफर्ट्स किए जाते हैं, उनको हेल्प किया जाता है फाइनेंशियल। गुरकरण